हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता। आज से मैं गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा टॉपिक वाइज टॉपिक। तो जो पहला टॉपिक रहेगा जिससे सबसे ज़्यादा स्टेट लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। इससे सबसे ज़्यादा स्टेट लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी स्टेट का एग्जाम होता है तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से पूछे जाते हैं। तो जो स्टूडेंट ने कहा है कि सर हमें गुप्ता एंड गुप्ता की एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और दो तीन सब्जेक्ट और हैं, तो सबसे पहले मैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। लगभग 40 क्वेश्चन का एक वीडियो होगा, तो इसमें लगभग 10 वीडियो तक बनेंगे। और इसके अलावा मैं खुरमी वगैरह की क्वेश्चन भी उनका वीडियो अपलोड जल्द ही करूँगा। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है वो कथन एवं निष्कर्ष कर दिया गया है। मैं हिंदी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं हिंदी को इंक्लूड करके बताता जाऊँगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इंग्लिश वाले अपने आप ही समझ जाएंगे। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, द कंज्यूम्सम ऑफ द वाटर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। इसका मतलब यह है कि जो वाटर का जो हम यूज़ करते हैं कंज्यूम्सन होता है वह डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर के साथ बढ़ता है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वाटर का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, प्रेशर घटाएंगे तो वाटर का कंजम्पशन घट जाएगा। इसका जो रीज़न दिया गया है यह है हायर डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर कॉजेज मोर लॉस एंड वेस्ट ऑफ वाटर। अगर जो प्रेशर होगा वो हाई होगा तो क्या होगा, हमारे वाटर का लॉस ज़्यादा होगा और वेस्ट ऑफ वाटर की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या है, पहला ऑप्शन जो दिया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बिल्कुल दोनों कथन और निष्कर्ष दोनों सही है। रीज़न जो दिया गया है इसका बिल्कुल ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है इसका। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ ए लोकेलिटी इज अफेक्टेड बाय, जो एलपीसीडी होती है हमारी वो अफेक्टेड होगी किससे अफेक्ट कर सकते हैं। तो सात चीज़ें होती हैं जिससे ये इफेक्ट होती है। इसमें तीन ऑप्शन दिया गया है, क्लाइमेट कंडीशन यानी कि क्लाइमेट कंडीशन आपकी कैसी है, गर्मी है तो ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे, ठंड है बरसात है तो क्या होगा कम पानी हम यूज़ करते हैं उसमें कंजम्पशन कम होता है। क्वालिटी ऑफ वाटर में क्या होगा, अच्छी क्वालिटी का वाटर है तो क्या होगा ज़्यादा यूज़ करते हैं, जबकि कम क्वालिटी का वाटर होगा तो उसे हम कम यूज़ कर पाए कम यूज़ करते हैं। तो क्वालिटी पर भी निर्भर करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, जो प्रेशर हम देते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन उसका प्रेशर कितना रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा जिसका पहला क्वेश्चन जो मैंने बताया पहले क्वेश्चन में हाई प्रेशर था तो कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा था, कम प्रेशर रहेगा तो कंजम्पशन कम होगा। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो आंसर इसका डी सही होगा। पहला क्लाइमेट कंडीशन में भी इसके अफेक्ट डालेगा, क्वालिटी ऑफ वाटर भी और डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर तीनों इसमें अफेक्ट डालेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो रहेगा हमारा वो तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस ए डिक्रीज इन पर कैपिटा कंजम्पशन। तो इसमें कौन सा मेथड है रीजन है जो हमारे पर कैपिटा कंजम्पशन को कम कर देगा। अगर मीटरिंग सिस्टम यूज करते हैं तो क्या होगा, हम कम पानी यूज़ करेंगे क्योंकि हमें उसका पेमेंट करना होता है। इसके अलावा मीटरिंग सिस्टम के अलावा एक और सिस्टम होता है, अगर हम उसका यूज करेंगे तो क्या होगा, उसमें हमें पानी की मात्रा नहीं महीने के हिसाब से हमें मंथली प्राइस देनी होती है, इसमें यूनिट के हिसाब से देना होगा मीटरिंग सिस्टम में, तो ज़्यादा हम पानी यूज नहीं करेंगे। गुड क्वालिटी ऑफ वाटर होगा तो उसमें क्या होगा, हम गुड क्वालिटी का वाटर आए तो ज़्यादा यूज़ करते हैं गुड क्वालिटी वाटर में। और अगर बेटर स्टैंडर्ड लिविंग है तो क्या होगा, बेटर स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ द पीपल, इसमें क्या होगा, इसमें भी हम ज़्यादा पानी यूज करेंगे। और गर्मी का मौसम है, हार्डर क्लाइमेट है, तब भी पानी हम ज़्यादा यूज करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा इसका ऑप्शन सही होगा ए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, द आवरली वेरिएशन फैक्टर इज यूजली टेकन एज, जो आवरली वेरिएशन फैक्टर होता है वो 1.5 लिया जाता है, और इसके अलावा मैक्सिमम डेली फैक्टर जो लिया जाता है मैक्सिमम डे के लिए 1.8 लिया जाता है। और अगर पूछता है कि आवरली पीक डिमांड पीक आवरली क्या होगा मैक्सिमम डे पे, तो इन दोनों का क्या होगा हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर जो आता है 2.7 आता है। ठीक है, तो इसमें तीन प्रकार के दिए गए हैं ऑप्शन, 1.85 इसका सही होगा, अगर इसके स्थान पर मैक्सिमम डेली वेरिएशन आता है तो 1.8 होगा, और मैक्सिमम डे पे पीक आवरली पे क्या होगा 2.7 होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ़ द एवरेज डेली कंजम्पशन ऑफ ए सिटी इज 1 लाख मीटर क्यूब, द मैक्सिमम डेली कंजम्पशन ऑफ पीक आवरली डिमांड, पीक आवरली डिमांड का फैक्टर जो होगा वो होता है 2.7
7। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 1 लाख से, तो इसका आंसर आ जाएगा 2,70,000। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा डी। द डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स आर डिजाइन फॉर, डिस्ट्रीब्यूशन मेन पाइप होती है वो किसके लिए डिजाइन की जाती है, तो वो डिजाइन की जाएगी हमारी मैक्सिमम आवरली डिमांड और मैक्सिमम डे, यानी कि टू जो इसका एवरेज डेली डिमांड होगा उसके 2.7 गुना से अधिक ये डिजाइन की जाएगी। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, एज कम्पेयर टू द जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड ऑफ फोरकास्टिंग पॉपुलेशन अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड गिव्स, क्या होगा हम जब कैलकुलेशन करते हैं गणना करते हैं पॉपुलेशन की, तो जियोमेट्रिकल मेथड में हमें ज़्यादा प्राप्त होता है और अर्थमेटिकल में हमें कम प्राप्त होगा, हायर वैल्यू हमें जियोमेट्रिकल में मिलेगी, जिसका फार्मूला होता है पी एन बराबर ए पी जीरो या पी नॉट कोस्ट और ब्रैकेट में होगा 1+R/100, मैं लिख दे रहा हूँ पी बराबर जो होते हैं फाइनल पॉपुलेशन बराबर होता है पी जीरो या पी नॉट 1+R/100 की पावर एन होती है। यहाँ एन क्या है, एन बराबर होता है वर्षों की संख्या, 10 वर्ष में कितनी है, आर हमारा होता है रेट होती है किस रेट से बढ़ रहा है, और पी नॉट होता है हमारा इनिशियल पॉपुलेशन और पी फाइनल पॉपुलेशन होता है। और अर्थमेटिकल कंडीशन में फार्मूला क्या यूज करते हैं, अर्थमेटिकल कंडीशन फार्मूला यूज करेंगे पी फाइनल बराबर पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स या एन इंटू आर। आर क्या है यहाँ पे रेट रहेगा, एन क्या है हमारा डीके नंबर रहेगा जो 10 वर्ष के लिए जाता है, पी नॉट क्या होगा ये हमारी इनिशियल पॉपुलेशन होगी। तो इसमें क्या होगा आंसर 7वें वाले में, ये लेजर वैल्यू इसमें हमें प्राप्त होता है अर्थमेटिकल में। अगर यही उल्टा देता जियोमेट्रिकल अर्थमेटिकल देता जियोमेट्रिकल का पूछता तो हाइयर वैल्यू प्राप्त होती है। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन ए 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स 5,000, 7,000 and 8,400। तो इसमें क्या यूज करेंगे हम, इसमें आर की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले औसत निकालना होगा। तो 5,000 में 7,000 घटाते हैं तो 2,000 आएगा, और इसका इनिशियल पॉपुलेशन होगी 7,000, इसे हम भाग दे देते हैं और परसेंटेज निकालेंगे तो इसका परसेंटेज आता है हमारा 35%।